नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका सन सिटी ऑफ इंडिया के न्यू एपिसोड पे। आज आपको दिखाने जा रहा हूँ प्यार में अंधे, एक ऐसे प्रेमी जोड़ की कहानी जिन्होंने रिश्तों को ताक पर रखकर रची पड़ी खौफनाक साजिश। प्यार अंधा होता है, लेकिन ये कैसा अंधापन जहाँ दर्द, हत्या, साजिश और आत्महत्या जैसे कई अपराध जन्म ले लेते हैं और फिर शुरू होता है अपराधों का खेल। लेकिन इसी अंधेपन में ही कई लोग अपनी जिंदगी अपने ही हाथों से खत्म कर देते हैं। युवाओं के अंदर इश्क का जुनून इस कदर होता है कि उस वक्त अपना सगा भी अपना नजर नहीं आता, ना दोस्ती, ना माँ बाप और ना ही कोई भाई बहन। रायपुर में भी ऐसा ही कुछ हुआ। गौरतलब है कि कुछ दिन पहले गंगापुर इलाके में नाबालिग की हत्या की गई थी, जिसकी जांच जारी थी, जिसमें एक लड़की ने ही अपनी सहेली को मौत के घाट उतार दिया और किसी को इस बात की कानो कान खबर तक नहीं। लेकिन पुलिस ने पूरे मामले की जांच की और इस अनोखी गुत्थी को सुलझा दिया। जब प्यार के रिश्ते को नाम देने के खिलाफ दोनों परिवार वाले थे, तब उस लड़की ने रच डाली एक खौफनाक साजिश। और इतना ही नहीं, वारदात को अंजाम देने का तरीका भी टीवी पर आने वाले क्राइम शो से सीखा। युवाओं में हमेशा से ही एक जिद का लावा उबलता है, जिसे पूरा करने के लिए वो किसी भी हद तक चले जाते हैं और साजिश को अंजाम देने का तरीका अक्सर टीवी पर प्रसारित होने वाले क्राइम शो से ही ले लेते हैं। रमेश और आरती एक दूसरे को बहुत प्यार करते थे, पर रमेश आरती का मौसेरा भाई लगता था, किंतु दोनों प्यार में इस कदर अंधे हो गए थे कि उन्हें प्यार के अलावा कोई दूसरा रिश्ता नजर नहीं आ रहा था। जी हाँ, ये है आरती और ये है रमेश, जो कि एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे। दोनों ही अपनी जिंदगी एक दूसरे के साथ बिताने के सपने देखा करते। दोनों का काफी मिलना जुलना था। रमेश आरती का रिश्ते में मौसेरा भाई लगता था, लेकिन उन दोनों के लिए अपने प्यार के रिश्ते के अलावा कोई और दूसरा रिश्ता नहीं था। जहां एक ओर दोनों ही अपने प्यार के रिश्ते को लेकर काफी आगे बढ़ चुके थे, तो वहीं दूसरी ओर दोनों के परिवार वाले इस बात से बिल्कुल ही अनजान थे। रमेश और आरती रोज अपने घर वालों से छुप छुप कर एक दूसरे से मिला करते। दोनों के परिवारजन इस बात से अनजान थे। आरती और रमेश दोनों छुप छुप कर मिला करते थे। हालांकि आरती और रमेश इस बात से भलीभांति परिचित थे कि दोनों के बीच में पारिवारिक रिश्ता है और दोनों की शादी किसी भी कीमत पर नहीं हो सकती है, लेकिन आरती और रमेश अपने इस रिश्ते के बीच में किसी को भी नहीं आने देना चाहते थे। एक दिन जब आरती और रमेश के परिवारजनों को उनके इस रिश्ते के बारे में पता चला, तो आरती ने उठाया बड़ा ही खौफनाक कदम। हालांकि प्रेमी युगल इस बात से अनजान नहीं था कि उनके बीच पारिवारिक रिश्ता होने के कारण उनकी शादी होने में दिक्कत आएगी।
लेकिन इसके बावजूद भी दोनों ने अपने प्यार के बीच किसी को भी नहीं आने दिया और ना ही एक दूसरे से अलग होना चाहते थे। और एक दिन अचानक परिवार वालों को दोनों के रिश्ते के बारे में पता चल गया। हालांकि आरती और रमेश ने अपने परिवार को मनाने की बहुत कोशिश की कि वो इस शादी के लिए राजी हो जाएं, लेकिन उनमें से कोई भी राजी नहीं था। दोनों के परिवार वाले शादी के सख्त खिलाफ थे, लेकिन आरती और रमेश हार मानने वाले नहीं थे। आरती की एक दोस्त थी कृति, जो उसी के घर के पास में ही रहती थी। अपने प्यार के बीच आ रहे कांटों को खत्म करने के लिए आरती और रमेश ने मिलकर एक प्लानिंग की। और सबसे बड़ी हैरानी वाली बात तो ये है कि इस पूरी प्लानिंग का आइडिया दोनों को कहीं और से नहीं बल्कि टीवी पर प्रसारित होने वाले क्राइम शो से मिला। टीवी पर प्रसारित होने वाले क्राइम शो से अक्सर कई लोग अपराध करने का तरीका सीख लेते हैं और अपराध की वारदात को अंजाम भी देने का तरीका वहीं से सीखते हैं। आरती को भी क्राइम शो के जरिए ही एक रास्ता नजर आया। आरती ने बहुत ही खतरनाक प्लान बनाया था और इसको अंजाम देने की पूरी तैयारी भी कर चुकी थी। आरती चाहती थी कि वो खुद को मरा साबित कर रमेश के साथ भाग जाए। आरती ने हत्या की पूरी प्लानिंग कर ली थी। उसने रमेश को पूरा प्लान समझा दिया। वारदात को अंजाम देने वाले दिन आरती ने अपनी दोस्त कृति को अपने घर रंगोली बनाने बुलाया। कृति इस बात से बेखबर थी कि आगे उसके साथ क्या होने वाला है। वो आरती के बुलाने पर उसके घर चली गई। हालांकि उस वक्त आरती के घर में कोई भी नहीं था। दरअसल आरती के पिता उसके रिश्ते की बात करने रामानुजगंज गए थे और माँ बलरामपुर गई थी। जबकि बड़ा भाई ऑटो चलाता है, तो उसके जाने के बाद आरती ने रमेश को घर बुला लिया था। अपनी दोनों छोटी बहनों को उसने खेलने के लिए पड़ोस में भेज दिया। जबकि घटना से 3 दिन पहले ही रमेश काम के लिए दिल्ली जाने की बात कहकर घर से निकल गया था और केशवपुर में अपने एक दोस्त के घर में रुका था। एक दिन खून से लथपथ आरती की लाश आरती के घर से बरामद हुई। आरती की मौत के बाद आरती का परिवार सदमे में चला गया, लेकिन आरती की मौत के दिन से ही गांव से कीर्ति नामक लड़की भी लापता हो गई थी। जैसे ही कीर्ति आरती के घर में दाखिल हुई तो रमेश और आरती ने उसे जोर से जमीन पर पटक दिया। आरती उसके ऊपर बैठ गई और उसका मुंह दबा दिया ताकि वो शोर ना मचा सके। इसके बाद आरती ने ईंट से कृति के सर पर कई बार हमला किया, जिससे कृति बेहोश हो गई। इसके बाद रमेश ने कलची से कृति के चेहरे और सिर पर बेरहमी से वार किया। वो खून से लथपथ हो चुकी थी और फिर वो बेहोश हो गई। इसके बाद आरती ने कृति के चेहरे पर गरम तेल डाला, फिर गैस चूल्हे की आंच पर कृति के चेहरे को जलाने की कोशिश की ताकि उसकी पहचान ना हो पाए। इतना ही नहीं, सबको ये लगे कि आरती की मौत हो गई, इसलिए आरती ने कृति को अपने कपड़े पहना दिए। हत्या के बाद दोनों वहां से भाग गए। कुछ समय बाद आरती की छोटी बहन लक्ष्मी वहां पहुंची तो घर में खून फैला हुआ था और कृति बेहोशी की हालत में पड़ी हुई थी। जैसा कि मैंने पहले दिखाया था आपको कि आरती की लाश खून से लथपथ उसके घर से बरामद हुई थी, लेकिन पोस्टमार्टम की रिपोर्ट के अनुसार वो लाश आरती की नहीं थी। अगर वो लाश आरती की नहीं थी तो वो लाश किस लड़की की थी? और उस घटना के बाद से आरती कहां गायब हो गई थी, मैं आपको दिखाने जा रहा हूं खौफनाक साजिश का खुलासा। शरीर पर आरती के कपड़े होने से उसे लगा वो आरती ही है। वो शोर मचाती हुई बाहर निकली। लक्ष्मी की चीख सुनकर सभी लोग वहां पहुंचे और कृति को फौरन अस्पताल ले गए, जहां इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई। सभी को लग रहा था कि आरती की मौत हो गई, लेकिन वहीं दूसरी ओर अचानक कृति का घर से गायब हो जाना कुछ समझ नहीं आ रहा था और ना ही राजेश का कुछ पता चल रहा था।
लेकिन जब मेडिकल रिपोर्ट सामने आई तो इन बातों का खुलासा हो गया कि मृतक लड़की आरती नहीं बल्कि कृति है। वहीं दूसरी ओर पुलिस को भी इस बात की सूचना दी गई। सूचना मिलते ही फौरन पुलिस ने अपनी छानबीन शुरू कर दी। हालांकि शुरुआती जांच में पुलिस को ये तो मालूम पड़ गया कि कृति की मौत के पीछे आरती का ही हाथ है, लेकिन आरती और रमेश लापता थे और पुलिस को दोनों की तलाश थी। गौरतलब है कि हत्या के बाद दोनों जीप से रामानुजगंज पहुंचे और फिर वहां से अनूपपुर गए। बाद में दिल्ली की ट्रेन पकड़कर गाजियाबाद चले गए। दरअसल रमेश के चाचा चाची और नाना नानी गाजियाबाद में ही रहते हैं। उसकी प्लानिंग थी कि गाजियाबाद में रहकर वो कोई काम कर लेगा, लेकिन जब रिश्तेदारों को पता चला कि वो लड़की भगा कर लाया है तो उन्हें साथ रखने से इनकार कर दिया। रमेश के पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, तो इसीलिए दोनों ट्रेन पकड़कर बिहार के डेहरी ऑन सोन पहुंच गए, जहां रमेश के चाचा रहते हैं। रमेश लगातार अपने भाई राजेश के संपर्क में था, लेकिन उसने राजेश को ये नहीं बताया था कि उसने कृति की हत्या की है। पुलिस की कड़ी छानबीन के बाद राजेश की मदद से पुलिस को दोनों की लोकेशन मिलती रही और फिर आखिर में दोनों को डेहरी ऑन सोन से गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस के अनुसार आरती किसी भी सूरत में रमेश को खोना नहीं चाहती थी और इसीलिए वो खुद को मरा साबित कर घर परिवार से दूर किसी दूसरे नाम से रमेश के साथ शादीशुदा जीवन बिताना चाहती थी। इतना ही नहीं, उसने एक महीने पहले ही हत्या का प्लान बना लिया था। आरती ने पुलिस को यह भी बताया कि उस दिन कृति नहीं मिलती तो वो शायद किसी और लड़की को अपना शिकार बनाती। आरती ने इस बात का भी खुलासा किया कि वो रमेश से बेहद प्यार करती है और वो रमेश को किसी भी कीमत में खोना नहीं चाहती थी। अपने प्यार को हासिल करने के लिए वो किसी भी हद तक जा सकती थी। हालांकि मामले की जांच कर रहे सीएसपी जितेंद्र शुक्ल ने पूरी वारदात को सुलझाकर दोनों के खिलाफ धारा 302 के साथ 201 और 34 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। टीवी पर प्रसारित होने वाले कुछ कार्यक्रम युवाओं के मन में अपराध का बीज बो देते हैं, जो कि आगे चलकर एक भयानक रूप ले लेता है, जिसके कारण कई लोगों की जिंदगी तबाह हो जाती है। और आरती ने भी अपने प्यार को पाने के लिए शर्मिंदगी की सारी हदें पार कर दी। कृति का क्या दोष था जो उसे बेमौत मरना पड़ा? आरती कोई और रास्ता भी चुन सकती थी। लेकिन उसके दिमाग में इश्क को पाने का जुनून सवार था और इसी कारण आरती और रमेश ने बिना कुछ सोचे समझे ये कदम उठाया। अगर जरा सा भी सोचा होता तो शायद आज दोनों सलाखों के पीछे ना होते। समाज रिश्ते नातों से बनता है। आरती और रमेश अगर भाई बहन जैसे पवित्र रिश्ते को समझते तो उन्हें आज समाज में कलंकित नहीं होना पड़ता और ना ही उन्हें जेल की सलाखों का मुंह देखना पड़ता। कहीं डर तो कहीं दर्द, कहीं आत्महत्या तो कहीं हत्या, कहीं साजिश
तो कहीं रंजिश। हर जुर्म का करेंगे पर्दाफाश। दिल्ली अब एक ऐसे चोर गिरोह के निशाने पर है जो सिर्फ महंगे से महंगे मोबाइल पर हाथ साफ कर रहे हैं। और इतना ही नहीं, इन चोरों को तो इस बात का भी कोई खौफ नहीं कि इनकी सारी हरकतों पर कोई नजर भी रखे हुए है। चोरों के हौसले दिन पर दिन इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि बेखौफ होकर ये चोर धड़ल्ले से चोरी कर रहे हैं। इतना ही नहीं, ये चोर गिरोह ज्यादातर मोबाइल फोन की दुकानों को ही अपना निशाना बनाते जा रहे हैं। दिल्ली में चोरों का आतंक इतना बढ़ चुका है, बात आकर यही खत्म नहीं होती कि दिल्ली में चोरों का आतंक बढ़ चुका है। लेकिन बावजूद इसके पुलिस उस चोर गिरोह को पकड़ पाने में भी असफल नजर आ रही है। दिल्ली के दुकानदारों अब हो जाएं सावधान, ये चोर हैं बेखौफ, ये चोर हैं काफी तेज। केजरीवाल जी जरा यहां भी गौर कर लीजिए, दिल्ली में ये क्या हो रहा है, चोर बिना डर के कर रहे हैं चोरी। जी हाँ, देश की राजधानी दिल्ली में चोरों के हौसले अब काफी बुलंद होने लगे हैं। इन्हें ना तो पुलिस का डर है और ना ही दुकानों पर लगे सीसीटीवी कैमरों का। दिल्ली में एक ऐसा चोर गिरोह बेखौफ होकर घूम रहा है जो और किसी पर नहीं बल्कि मोबाइल की शॉप पर नजरें गड़ाए बैठा है। उस गिरोह के निशाने में महंगे से महंगे मोबाइल फोन और कैश कार्ड हैं। ये गिरोह इतना शातिर है कि इनको किसी भी बात का कोई डर नहीं, दुकानों पर लगे कैमरों से तक इनको कोई डर नहीं है। दक्षिण दिल्ली के पुल प्रहलादपुर में ऐसी ही घटना सामने आई है जहां के दुकानदार इस गिरोह की हरकतों को देख खौफजदा में पड़ गए हैं। गौरतलब है कि हाल ही में पुल प्रहलादपुर के मार्केट में चोरी की ऐसी वारदात सामने आई है जिससे आसपास के दुकानदारों को भी डर लगने लगा है। दरअसल यहां की मार्केट के मोबाइल शॉप से लाखों की चोरी हुई है जिसमें से कैश कार्ड और काफी महंगे महंगे मोबाइल फोन चोरी हुए हैं। चौंका देने वाली बात तो ये है कि मोबाइल शॉप से कुछ ही दूरी पर पुलिस थाना भी है। चोरों को इस बात का भी कोई डर नहीं। इतना ही नहीं, चोरों ने सीसीटीवी कैमरे में कुछ ना दिखे इसलिए कैमरों को भी तोड़ डाला। हालांकि ये वारदात सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। अब जरा यहाँ ये देखिए, पहले ये कार यहाँ आके खड़ी हो जाती है और फिर एक एक करके इसमें से तीन लोग निकलते हैं। अब जरा ये देखिए, ये दो शातिर चोर लोहे की रॉड से इस शटर को खोलने की कोशिश कर रहे हैं। शटर खोलने में इन्हें ज्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ती। ये देखिए, ये चोर सीसीटीवी कैमरे को तोड़ रहा है और कंप्यूटर की सारी तारों को निकाल कर अलग कर दे रहा है। लेकिन शायद ये भूल गए कि इनकी ये सारी करतूतें कैमरे में कैद हो चुकी हैं। लेकिन गौर करने वाली बात तो ये है कि कैमरा लगा होने के बाद भी और पास में ही थाना होने के बावजूद भी चोरों के अंदर इतनी हिम्मत कैसे आ गई, और इसके बावजूद भी पुलिस ने अभी तक इनको गिरफ्त में क्यों नहीं लिया। चोर की इस वारदात से दुकानदार के मन में और भी डर पैदा हो चुका है। दहशत तो हमें इतनी है, रोज आए दिन चोरी हो रही है। आज शर्मा मार्केट में पीछे दुकान पे हुई है, आज हमारे बराबर में हुई है चोरी। रात को हम जब शटर बंद करते हैं तो हमें दहशत रहती है कि सवेरे हम सही सलामत इसको अपने देख पाएंगे या नहीं।
रात को नींद नहीं आती है, बड़ी दहशत में है। और जबकि हमारी दुकान थाने के सामने है। ये शायद लगता ऐसी है क्योंकि सीसीटीवी फुटेज आए हैं, वो कार में आते हैं, चार पांच जने हैं, वो सिर्फ टारगेट मोबाइल की दुकानों का कर रहे हैं। चोरी की वारदात के बाद दुकानदारों ने इस बात की शिकायत प्रहलादपुर पुलिस थाने में भी कराई, लेकिन इस घटना में पुलिस के हाथों कोई बड़ा सुराग अभी तक नहीं लगा है। चोरी हुआ हम लोग को नहीं पता, लेकिन पुलिस वालों को पता है। आपको बता दे चले कि ये वारदात कोई अभी की नहीं, इसी तरह की वारदातें दिल्ली शहर में आए दिन घटती ही जा रही हैं। लोगों का तो जैसे पुलिस प्रशासन से भरोसा ही खत्म हो चुका है। ये हम नहीं बल्कि दिल्ली की जनता खुद कह रही है। दरअसल चोरी की ऐसी ही वारदात की शिकायत साल भर पहले भी की गई थी, लेकिन पुलिस की ओर से कोई भी कड़ी कार्रवाई सामने नजर नहीं आई। ऐसे में दुकानदार और आसपास के लोगों के मन में डर पैदा हो चुका है। वहीं दूसरी ओर पूर्व प्रहलादपुर के कांग्रेसी विधायक के सहयोगी रहे ऋषि पाल ने चोरी की बढ़ती वारदातों का कारण केजरीवाल सरकार को ठहराया है। उनका मानना है कि केजरीवाल सरकार के आते ही दिल्ली में अपराध और भी बढ़ने लगे हैं। वहीं केजरीवाल सरकार को इस मामले में गौर करने के लिए भी कहा गया है। मैं शीशपाल जी जो यहाँ से 10 साल विधायक रहे हैं उनके साथ जुड़ा रहा हूँ, और सारा उनका काम यहाँ तो पूरी विधानसभा में मैं ही देखता था। 10 साल तक कोई चोरी डकैती कुछ भी यहाँ नहीं हुआ। 10 साल तक बड़ी शांति रही, उससे बढ़िया कोई शासन यहाँ किसी ने नहीं दिया। बहुत बढ़िया ईमानदारी से और काम खूब बढ़िया लोगों के काम चले और पब्लिक शांति। उससे बाद रमेश धूड़ी रहा 10 साल, उसके टाइम में भी चोरी कमी हुई। जब से ये केजरीवाल की सरकार आई है जब से तो लोगों का जीना रोजगार भी खत्म और चोरियों भी भरमार है। पता नहीं है चोरों के उस्ताद है या चोरों से मिले हुए हैं, सारे चोर इन्होंने छोड़ दिए। पुलिस पता नहीं क्या करती है, रात में गश्त करती है नहीं करती। दिल्ली में बढ़ती चोरी की वारदातों से आम जनता अब अपने आप को असुरक्षित मानने लगी है। पुलिस प्रशासन के बल को कमजोर मानते हुए लोगों ने सड़कों पर पुलिस प्रशासन के खिलाफ नारे भी लगाए। वहीं दूसरी ओर इस मामले में पुल प्रहलादपुर के SHO राजेश कुमार मिश्रा से बात करना चाहा तो उन्होंने बात करने से इनकार कर दिया। दिल्ली में चोरों का आतंक फैलता ही जा रहा है और अब आम जनता अपने आप को असुरक्षित महसूस कर रही है। नजदीक पुलिस थाना होने के बावजूद भी चोर बेखौफ होकर चोरी की वारदातों को आसानी से अंजाम दे रहे हैं। अब सवाल ये उठता है कि पुलिस प्रशासन आखिर इतनी सुस्ती क्यों दिखा रही है? क्या वो जनता के प्रति अपने फर्ज से मुंह मोड़ रही है? हालांकि लगता तो ऐसा ही कुछ है। जैसे दिल्ली सरकार जिस तरह से जनता के प्रति अपने कामों को लेकर सुस्ती दिखा रही है, शायद यही कारण है कि पुलिस प्रशासन भी उन्हीं के नक्शे कदम पर चल रही हो। दिल्ली से रमेश शुक्ला सफर के साथ लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट। सड़क के उस पार थाना है और इस पार पुलिस की ये गाड़ी। ये वही दुकान है जहां बीती रात चोरों ने निशाना बनाया। चोर ताबड़तोड़ चोरियां कर रहे हैं और थाना मुखी चुपचाप तमाशा देख रहे हैं। सनसनी ऑफ इंडिया से SHO प्रहलादपुर ने कोई भी बात करने से इनकार कर दिया। आखिर चोरों पर लगाम कब लगाएगी दिल्ली पुलिस? यही सवाल सनसनी ऑफ इंडिया का सारी दुनिया के सनसनी ऑफ इंडिया की। खरी खबर
और सच दिखाने की हिम्मत। सच दिखाते हैं हम। सनसनी ऑफ इंडिया हिंदी साप्ताहिक न्यूज़पेपर हर रविवार आपके द्वार, वो आप तक पहुंचाता है क्राइम से जुड़ी सभी खबरें सिर्फ 5 रुपए में। इसके अलावा ऑनलाइन खबरें पढ़ने या देखने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.sansani.tv पर जा सकते हैं। थाना कृष्णा नगर पुलिस ने लूट के इरादे से आए 2 बदमाशों में से एक को दबोचा, एक भागने में कामयाब रहा। गिरफ्तार आरोपी नंदन नगरी हत्याकांड का वंचित शातिर अपराधी व सत्ती गैंग का मुख्य सक्रिय सदस्य बताया गया है। अपराधी पर 40 से अधिक आपराधिक मामले दर्ज हैं। शुक्रवार देर शाम आरोपी दीपक उर्फ झांझी, उम्र करीब 28 साल, अपने साथी अमित के साथ कृष्णा नगर लाल क्वार्टर इलाके में लूट की वारदात को अंजाम देने पहुंचा। इसी दौरान गश्त कर रहे 2 पुलिसकर्मी को इस बात की भनक लग गई। पुलिसकर्मी लूट करने आए दीपक और अमित को पकड़ने के लिए दौड़े। अपने को घिरता देख आरोपी दीपक ने पुलिस पर गोलियां चलाना शुरू कर दिया, लेकिन इसके बावजूद सिपाही गिरीश ने हिम्मत दिखाते हुए दीपक को धर दबोचा। इन सब के बीच दीपक का साथी अमित हथियार के बल पर बॉबी नाम के शख्स की स्कूटी लेकर फरार हो गया। तो हमें इन्फॉर्मेशन मिली और बाइक पे थे वो दोनों, और हमने उनको जाके चेक किया तो उन्होंने मौके से ही पिस्टल निकाल ली, बाइक गिर गई, मौके से पिस्टल निकाल ली और भागने लगे। ये फ्रेंड सेंटर वाली गली से भागने लगे, तो उसे पीछे पीछे हमने भी पिस्टल निकाले, उन्होंने पीछे पीछे भागे, तो वहाँ से दिल्ली जू से होते हुए आगे आके फिर इस वाली गली में, जो जहाँ मैं खड़ा हूँ इस वाली गली में आगे उसने उन्होंने फायर किया और वो फिर उसको गिरा के पकड़ लिया और पिस्टल उस्टल जो उसकी ले लिया हमने। पुलिस की पूछताछ में दीपक ने खुलासा किया है कि वो सत्ते गैंग का सक्रिय सदस्य है। उसके खिलाफ 40 से अधिक आपराधिक मामले दिल्ली के अलग अलग थानों में दर्ज हैं, जबकि इसके फरार साथी अमित के खिलाफ भी दर्जनों मामले दर्ज हैं। पुलिस पूछताछ में दीपक ने ये भी कबूल किया कि वो पिछले दिनों उत्तर पूर्वी दिल्ली के नंदन नगरी इलाके के गैंगवार में शामिल था, जिसमें सोनू चिकना नाम के शातिर बदमाश की हत्या कर दी गई थी। मैं अपनी शॉप पे खड़ा हुआ था, दो चोर पीछे से भाग के आ रहे थे और हमारे जो बीट अस्तर हैं पुलिस वाले, एक बहादुर वो उनका पीछा करते हुए आ रहे थे, तो मैंने देखा मैं भी उनके पीछे भागने लगा। भागते भागते गली के कोने पे आया तो वहाँ आके उन्होंने है ना फायर करनी शुरू कर दी। जब पुलिस वाले उनके नज़दीक पहुँच गए, चोर स्नैचिंग चैन स्नैचिंग करने वाले, हाँ पिस्टल मिली है, 2 मैगजीन मिली है और 4-5 कारतूस मिले हैं अलग से। बहरहाल पुलिस दीपक से पूछताछ में जुटी है। आखिर दीपक के साथ कितने बदमाश शामिल हैं? देखना है कि दीपक की गिरफ्तारी से पुलिस उसके साथी अमित को कब तक पकड़ पाती है। सनसनी ऑफ इंडिया से लक्ष्मी शर्मा की रिपोर्ट। दिवाकर अब आपसे लेता हूं विदा, कल मैं फिर मिलूंगा इसी चैनल पर इसी समय एक नई वारदात के साथ। और हां दोस्तों, जाते जाते मैं आपसे एक बात कहना चाहता हूं, अगर आपके आसपास हो रही है कोई वारदात या आपको है किसी घटना की जानकारी तो आप हमारे हेल्पलाइन नंबर 9213130221 या हमारे व्हाट्सएप नंबर 9650854621 पर दे सकते हैं।